फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत करता हूँ आपका वर्सटाइल मेडिकल साइंस में। ये यूट्यूब पे एक ऐसा चैनल है जो आपको साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्रॉम क्लास 6 से लेकर मेडिकल एंट्रेंस तक की वीडियोस प्रोवाइड करता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको कोई अदर वीडियोस चाहिए साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो नीचे कमेंट जरूर करें और वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें जिससे कि नोटिफिकेशन आप पे पहुंच सके। हेलो स्टूडेंट्स तो कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है आपकी वर्कशीट आ चुकी है क्लास 10th की, वर्कशीट नंबर 45 क्लास 10th साइंस, और 16 अक्टूबर की ये वर्कशीट है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है और आपको ये सबमिट करनी है एज यूजल, जैसे भी आप सबमिट करते हो ऑफलाइन ऑनलाइन। ठीक है तो अब आगे की तरफ चलते हैं। हम इसमें बात करते हैं कि एक्चुअली में इसमें क्या दिया हुआ है। ये आपका केमिस्ट्री का टॉपिक है, क्लास 10th का केमिस्ट्री का टॉपिक। इससे पहले वर्कशीट में इससे के इसके रिलेटेड ही चलता आ रहा। अगर आपने पहले वाली वर्कशीट की हो कहीं से भी मेरे चैनल से, नहीं भी की हो तो आप मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले क्या था, इसको समझने के लिए थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ आपको। सबसे पहले डोबनियर सर आए थे, उन्होंने अपना ट्रायड्स दिया था, डोबनियर ट्रायड्स। ठीक है फिर उसमें क्या था कि तीन एलिमेंट से एक दो तीन को उन्होंने तीन का ग्रुप बना के उन्होंने क्या कहा था, पहले वाला और लास्ट वाले का एवरेज जो है वो सेकंड वाले के इक्वल होगा। ठीक है उस बेस पे उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को अरेंज किया था पीरियोडिक टेबल के अंदर। फिर आफ्टर दैट क्या हुआ, फिर आए आपके न्यूलैंड। ठीक है न्यूलैंड्स का ऑक्टेव लो आया था जिसमें क्या था 1 to 8 जो 1 है उसका 8 के साथ रिलेशन बताया गया था एलिमेंट्स का, लेकिन वो कुछ ही एलिमेंट्स पे सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद वो फॉलो नहीं किया। ठीक है फिर एट द एंड मेंडलीव सर आए। ठीक है मेंडलीव सर ने रिसर्च की और उन्होंने पीरियडिक टेबल तैयार की। ठीक है उनकी अच्छी सक्सेसफुल हो गई, उनके बहुत सारे अचीवमेंट्स आए जो उन्होंने किए थे, लेकिन कुछ उनके लिमिटेशंस भी थी। तो इस वर्कशीट में यही पढ़ा जाएगा, देखो ये रहा अचीवमेंट्स और यही लिमिटेशंस। मैं आपको एक बार रीड करके बता देता हूँ। मेंडलीव अरेंज 63 एलिमेंट्स नोन एट द टाइम इन द पीरियड टेबल अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियडिक फंक्शन और देयर एटॉमिक मासेस। द टेबल कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल कॉलम आल्सो कॉल्ड ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल कॉलम आल्सो कॉल्ड पीरियड्स। तो क्या है मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपने पीरियड टेबल देखी होगी कुछ इस तरीके की होती है, ऐसे बना के रखते हैं उसे। ठीक है ऐसे बना के रखते हैं तो इन्होंने कहा है जो वर्टिकल कॉलम होता है, वर्टिकल क्या होता है आपका जो भी चीज़ ऐसे होती है ये वर्टिकल होता है। ठीक है और वर्टिकल कॉलम को क्या कहते हैं ग्रुप्स, ये आपके ग्रुप्स हैं सारे। ठीक है और हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहते हैं पीरियड्स, और आपका जो हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे ये वाला आपका हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है ऐसे रो को पीरियड्स कहते हैं पीरियड टेबल में। ठीक है अब चलते हैं इसके अचीवमेंट्स की तरफ। पहले हम अचीवमेंट्स की बात कर लेते हैं जो मेंडलीव की थी। ठीक है तो मेंडलीव का जो फर्स्ट अचीवमेंट क्या था, मेंडलीव केप्ट सम ब्लैंक स्पेस इन द पीरियड टेबल फॉर द एलिमेंट दैट वर येट टू बी डिस्कवर्ड। ठीक है उन्होंने क्या किया था मेंडलीव ने कि कुछ स्पेस छोड़ दिया था पीरियड टेबल के अंदर ताकि अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर होता है तो वो उसके अंदर एडजस्ट हो जाए। ठीक है तो वो उनका एक प्लस पॉइंट था कि उन्होंने आगे तक सोच के चला, क्योंकि 63 एलिमेंट जो थे सिर्फ डिस्कवर हुए थे जब मेंडलीव ने पीरियड टेबल बनाई थी। ठीक है अभी कितने हैं 118, तो आप खुद सोच लो कितने एलिमेंट उन्होंने एडजस्ट किए होंगे। तो इसी बेस पे उन्होंने थोड़ा सा एक लॉजिकल चीज़ लेके चले कि स्पेसेस खाली छोड़ता हूँ क्योंकि एलिमेंट्स तो डिस्कवर होंगे ही होंगे। ठीक है आगे चलते हैं। फिर उन्होंने देखो क्या था, अभी जो बात ऊपर हुई है उन्होंने प्रेडिक्ट क्या किया था कि एक एलिमेंट ऐसा आएगा जिसका नाम होगा एका बोरोन और स्कैंडियम। ठीक है अब नीचे इसके बारे में बताएंगे। फिर एका एल्यूमिनियम गैलियम, ठीक है एका सिलिकन जर्मेनियम। ठीक है ही ऑल्सो प्रेडिक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ सम एलिमेंट इवन बिफोर देयर डिस्कवरी एंड वाटर वर लेटर फाउंड टू बी करेक्ट। उन्होंने जो प्रेडिक्ट किया था कि ऐसे एलिमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है उनकी डिस्कवरी से उनकी प्रॉपर्टीज ये होंगी और वही निकली एट द एंड। ठीक है अब जैसे नीचे बताते हैं इसमें क्या है कि इन्होंने क्या करा था, इन्होंने जो एका एल्यूमिनियम है ठीक है
अभी जो ऊपर बताया गया, उन्होंने क्या कहा था, इसका जो एटॉमिक मास है 68 है, और निकला कितना 69.7 अप्रोक्स है, ठीक है, ओनली 0.3 का डिफरेंस है। ऐसे ही उन्होंने कहा था इसका जो फॉर्मूला आएगा E2O3, ठीक है, E2 इन्होंने एका लिया था वहाँ पे, तो ऐसे ही गैलीनियम आया, ठीक है, तो Ga2O3 आया इसका फॉर्मूला। ऐसे ही इन्होंने क्या क्या कहा था कि इनका जो क्लोराइड का फॉर्मूला होगा वो क्लोराइड के साथ ऐसे आएगा, वो या तो इका है तो इसलिए ECl3, और यहाँ पे गैलियम है इसलिए GaCl3। तो एक बिल्कुल ही उन्होंने करेक्ट चीज़ बताई थी कि अगर इनके साथ ऑक्सीडाइज और क्लोराइड कराएंगे, फॉर्मूला बनाएंगे, तो ऐसे करके बनेगा, ठीक है। अब इसका थर्ड देख लेते हैं, इनका अचीवमेंट्स क्या था, ठीक है। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल कुड अकोमोडेट नॉर्मल गैसेस व्हेन दे वर डिस्कवर्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग। इन्होंने क्या किया कि जो नोबल गैसेस थी, ठीक है, नोबल गैसेस को इन्होंने उनके साथ अरेंज किया विदाउट कुछ छेड़खाड़ के, जो उन्होंने पीरियडिक टेबल बना रखी थी उनको बिना इधर उधर किए बिना उन्होंने नोबल गैसेस को उसके अंदर अरेंज किया, ठीक है। अब मेंडेलीव की लास्ट अचीवमेंट देख लेते हैं। मेंडेलीव टुक द फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड्स एंड हैलाइड्स फॉर्म बाय द एलिमेंट एज द बेसिक प्रोड्यूस ऑफ द एलिमेंट फॉर देयर क्लासिफिकेशन इन द पीरियडिक टेबल। हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था, आप जाके एक बार देख सकते हैं कि मेंडेलीव ने क्या काम किया था, कि उन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए दो चीज का यूज किया था, ऑक्सीडाइज और हाइड्रोइज का, कि ये क्या थे कि ये ना किसी के साथ जैसे ऑक्साइड है तो उन्होंने ऑक्सीडेशन करवा के इनका ऑक्सीजन के साथ, कोई भी इतने ये हाईली रिएक्टिव थे तो इन्होंने एलिमेंट्स के साथ इनका ऑक्सीडाइज करवाया और कुछ ना कुछ कंपाउंड बनता ही था। तो आप पीरियड टेबल में जब भी देखोगे इन्होंने अलग से ही कॉलम बनाया हुआ है, ऊपर यहाँ पे ऑक्सीडाइज और हाइड्राइज का, और नीचे यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनके साथ हाईली रिएक्टिव है सबके साथ, तो इन्होंने इसका यूज करके, इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज को यूज करके क्लासिफिकेशन किया था एलिमेंट्स का इन पीरियडिक टेबल के अंदर। तो अब हम इनकी लिमिटेशन पे आ जाते हैं, कुछ ना कुछ कमियां भी रही होंगी, रही थी क्या, रही हैं, ठीक है, तो हम वो पढ़ लेते हैं। लिमिटेशंस की बात करते हैं। मेंडेलीव कुड नॉट असाइन द करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन हिज पीरियोडिक टेबल एज द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, पहले इतना देखते हैं। मेंडेलीव क्या कह रहे हैं कि मेंडेलीव ने हाइड्रोजन को कि उसको एक स्पेस नहीं दे पाए वो पीरियोडिक टेबल के अंदर, स्पेस तो दिया पर एक उसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से नहीं दे पाए, क्योंकि क्या है, अब आगे देखते हैं। हाइड्रोजन रिसेंबल बोथ, ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन रिसेंबल्स बोथ विद एल्काइन मेटल एज वेल एज विद हैलोजन। ये कहना चाह रहे कि उसकी जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज हैं वो एज अ सेम है एल्काइन मेटल्स और हैलोजन की तरह। अब एल्काइन मेटल कोई सा ले लेते हैं, जैसे सोडियम हो गया, ठीक है, और आपका हैलोजन हो गया कैल्शियम, ठीक है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन से सेम है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, जो आपका नीचे चार्ट दिया हुआ इसमें क्या है, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ भी बॉन्डिंग बना रहा है, और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन सोडियम के साथ भी बना रहा है। ऐसे ही यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ भी बना रहा है, ऑक्सीजन सोडियम के साथ भी बना रहा है, सल्फर हाइड्रोजन के साथ भी बना रहा है, और सल्फर सोडियम के साथ भी बना रहा है, ठीक है। ये लिखा है लाइक एल्कलाइन इट कम्बाइंस विद हैलोजन ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो ये वाली ऐसी प्रॉपर्टी थी इनकी कि वो फुलफिल नहीं कर पाए थे इस चीज़ को, तो ये एक इनकी लिमिटेशन ये हो गई। अब देखते हैं लाइक हैलोजन इट्स एग्जिस्ट एट डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड कम्बाइंस विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं H2 या फिर N2, ठीक है, तो ये कंबाइन करके कुछ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ, मेटल और नॉन मेटल के साथ। तो वो एक ये भी इनका एक वो था लिमिटेशन। तो अभी ये तो फर्स्ट का ही पार्ट हो गया, आप सेकंड हम देखते हैं कि द आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट विल बी गिवन डिफरेंस पोजीशन इफ एटॉमिक नंबर इज टेकन बेसिस विच विल डिस्ट्रीब सिमेट्री ऑफ द पीरियडिक टेबल। आइसोटोप्स ये कहना चाह रहे हैं कि जो पीरियडिक टेबल के अंदर उन्होंने अरेंजमेंट किया था एलिमेंट्स का, ठीक है, तो आइसोटोप्स मतलब सेम एटॉमिक मास होता है जिनका, ठीक है, एटॉमिक
मान जिनका सेम होता है तो टेकन एज अ बेसिस विच डिस्टर्ब द सिमेट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो उन्होंने ये दिखाया कि भाई अब तुम एक जगह एक उसके अंदर सारे आइसोटोप्स रख रहे हो, ठीक है, और उनका क्या है, सेम है एटॉमिक मास, ठीक है, और अगर और इनकी वो क्या थी कि क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया था, उन्होंने किया था इंक्रीजिंग नंबर पे, कि मतलब सेम एटॉमिक नंबर हर किसी का इंक्रीजिंग है, सेम नहीं है, ठीक है। तो ये इनकी एक फेल हो गया कि डिस्टर्ब था उनकी सिमेट्री, जो उन्होंने बताया था कि इस वे में चलना है कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से, तो वो उनका यहाँ पे फेल हो गया था। तो द एटॉमिक थर्ड द एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू नेक्स्ट, ठीक है। जो इन्होंने बताया था कि एटॉमिक मासेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, तो ये कहना चाह रहे हैं कि दो जो एलिमेंट हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ऐसा नहीं हल्का बहुत, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और जितना ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इनके बीच में डिफरेंस है। जैसे कि मान लो कोई भी नंबर है, किसी का भी एटॉमिक नंबर दो है, ठीक है, दो के बाद वो ऐसा नहीं है कि तीन आया चार आया, ऐसे भी हो सकता है दो के बाद सीधा चार आ गया, ठीक है, दो के बाद सीधा दस आ गया, दो के बाद 2.3 आ गया, ठीक है। तो ये है इसका मतलब। अब ये इरेगुलर मैनर में क्यों कहा गया, ठीक है, इसे बोलेंगे हम इरेगुलर मैनर में, क्योंकि कोई मैनर नहीं है ना कि इतने इतनी सिर्फ इतना का गैप है, 0.5 का गैप है, या फिर दो दो का गैप चल रहा है, तो इसलिए कोई मैनर नहीं था, बस इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया था। सो इट वॉज द नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट हाउ मैनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर बिटवीन टू एलिमेंट्स। तो इसलिए हम लोग ये नहीं बता प्रिडिक्ट पहले से नहीं कर सकते कि दो एलिमेंट्स के बीच में कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। फाइनली आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई, क्वेश्चन आंसर की तरफ आ जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं जो आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ पीरियड टेबल। फादर ऑफ पीरियड टेबल कौन थे, इनका पूरा नाम था दिमित्री मेंडलीव, नोन एज द फादर ऑफ पीरियड टेबल। इसी में सेकंड पूछा विच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिड ही यूज टू क्लासिफाई एलिमेंट इन हिज पीरियड टेबल। तो इसका आंसर यह है द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मेंडलीव यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वॉज एटोमिक वेट। मेंडलीव टुक द फॉर्मूला फॉर ऑक्साइड एंड हाइड्राइज फॉर्म बाय एलिमेंट एज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट देयर क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट। आपकी वर्कशीट में लिखा हुआ है इसे में, ठीक है, उन्होंने ऑक्साइड और हाइड्राइज को एक बेसिक प्रॉपर्टी लेकर पीरियोडिक टेबल में जो क्लासिफिकेशन का किया था एलिमेंट्स का, उसमें हेल्प की थी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। मेंडलीव केप्ट सम ब्लैंक स्पेसेस इन द पीरियोडिक टेबल फॉर द एलिमेंट दैट वर येट टू बी डिस्कवर, नेम दोज एलिमेंट एंड व्हाट वर द नेम्स गिव्स टू। इसमें पूछा गया है कि उन्होंने कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो वहाँ पे जो कि डिस्कवर नहीं हुए थे, पर इन्होंने उनके लिए स्पेस भी छोड़ दिया था और पहले से उनके कुछ नाम भी दे दिए थे, तो वही यहाँ पे दिखाने के लिए बोला। तो आप देख सकते हैं इन्होंने ये तीन थे, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम और टेक्टेनियम, इनके सबके दिए गए हैं कि उन्होंने पहले से नाम दे दिए थे इन एलिमेंट्स के, ये डिस्कवर भी नहीं हुए थे और स्पेस भी खाली छोड़ दिया था, ये आप इसमें राइट डाउन कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में पूछा गया राइट अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियड टेबल, और क्वेश्चन नंबर फोर में पूछा गया उनकी लिमिटेशन। इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, मैंने फिर भी इनका थोड़ा सॉर्ट करके आपको आंसर प्रोवाइड किए हैं ताकि आप इजिली इन्हें अंडरस्टैंड कर सको। इट कुड बी क्लासीफाई ऑल एलिमेंट डिस्कवर एट द टाइम, इट हेल्प इन द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट, इट हेल्प इन द करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स। फोर्थ में कहा है लिमिटेशंस, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल इज अनसर्टेन, आइसोटोप्स हैव नॉट बीन गिवन सेपरेटली प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिक्टिविटी, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड थ्रू आउट फोर्स एग्जाम्पल इन कोबाल्ट एंड निकल। तो ये आप दोनों की लिमिटेशन नीचे वाले की फोर्थ क्वेश्चन की और थर्ड की आप अचीवमेंट्स लिख सकते हैं अपने आंसर शीट में, ठीक है। तो अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ मेंडलीव कुड नॉट असाइन द करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन हिज टेबल, ठीक है, वो हाइड्रोजन की एक
करेक्ट पोजीशन क्यों नहीं अजाइन कर पाए थे पीरियोडिक टेबल के अंदर? तो इसका आंसर यह है, हाइड्रोजन हैड नो फिक्स्ड पोजीशन इन द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल बिकॉज इट रिसेंबल्स एल्कलाइन मेटल बाय फॉर्मिंग पॉजिटिव आयंस रिसेंबल्स हैलोजन बाय फॉर्मिंग डायमेटिव एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसका आंसर आपकी वर्कशीट में भी लिखा हुआ है, मैंने यहाँ थोड़ा छोटा करके लिख दिया जिससे आप इजली राउट डाउन कर सको। तो मेरी वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं क्लास 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी साइंस की डालता रहता हूँ, उसके बाद सिलेबस और मेडिकल एंट्रेंस की भी मैं वीडियोस डालता रहता हूँ। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।